थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब की डिस्कवरी की थी। जब थॉमस एडिसन 67 ईयर के थे, खुद 67 साल के थे, तो उनकी पूरी लैब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उनके पास 5 ब्लॉक थे लैब के। 67 ईयर की एज में लैब में आग लग चुकी थी। उन्होंने अपने बेटे चार्ल्स को कहा कि जा अपनी माँ को बचा ले, केवल अपनी माँ को बचा ले। उसने कोशिश की और अपनी माँ को बचा लिया। जब उसकी माँ, इसका मतलब थॉमस एडिसन की वाइफ, बाहर आई तो थॉमस एडिसन को कहा कि आपकी लैब पूरी जल चुकी है, आप करोगे क्या आगे? तो थॉमस एडिसन ने कहा था, इतनी खूबसूरत आग तो मैंने ज़िंदगी में भी नहीं देखी है, इससे खूबसूरत आग कहीं नहीं देखी। क्योंकि सब कुछ नष्ट हो गया, एक साइंटिस्ट के लिए लैब ही तो महत्वपूर्ण बात होती है, कि सब कुछ नष्ट हो गया, इतनी खूबसूरत आग मैंने कभी नहीं देखी। और अगले ही दिन थॉमस एडिसन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं कि अब से मैं अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करूँगा। 67 ईयर की एज में थॉमस एडिसन अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करते हैं। आप तो 27 के भी नहीं हुए हैं।